सत श्री अकाल, नमस्ते और हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिक्स डिपॉजिट FD के अगेंस्ट कैसे आप क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हैं या पा सकते हो, और जिन जिन लोगों की सिबिल स्कोर खराब है, क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, और जिन जिन्होंने अप्लाई करना है FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे रहेंगे अगर आप FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं, साथ साथ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और कौन से बैंक्स हैं जो FD के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, और साथ ही साथ उनके एक या दो बेनिफिट्स। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। दोस्तों अगर आप FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो सबसे पहला फायदा ये रहता है कि आपको बहुत ही कम पैसों पे FD के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। कई बैंक्स का 20,000 है, कई बैंक का 25,000 है, तो बहुत ही कम अमाउंट की FD से आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं क्रेडिट लिमिट। जो आपकी FD होती है दोस्तों, उसका आप 80% से लेकर 85% तक का उपयोग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट का। और सपोज करिए अगर आपकी 20,000 की क्रेडिट कार्ड FD है, तो आप उसका 80% से 85% तक का आपकी जो लिमिट है वो आपको दे देंगे, जो आप यूज कर सकते हो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही कम दोस्तों, एक फॉर्म भी फिल करना होता है और आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं रहती डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत ही आसानी से आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो FD के अगेंस्ट। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो है मिनिमम टेन्योर आपको कम से कम इन्होंने दिया हुआ है कि आपको जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहेगा वो आपका 48 से 55 दिन का रहेगा। तो जो भी आप पैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपको 48 से लेकर 55 दिन से पहले आपने उनको वापस कर देने हैं, तो आपका कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं रहेगा, और 6 महीने का टेन्योर पीरियड रहेगा FD पे। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर तो आपके पास FD है तो आप बैंक में जाके कह सकते हो कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना है। पर अगर आपके पास FD नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप FD खुलवाइए 20,000 की 25,000 की अकॉर्डिंग टू अपने बैंक के अकॉर्डिंगली, और आप फिर थोड़े टाइम के बाद उससे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। सबसे अच्छी बात इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसलिए अप्लाई कर दीजिए कि अगर आपका जिन जिन लोगों का सिबिल स्कोर बेकार है या उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, वो इसके थ्रू अच्छी अपनी जो अगर टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे तो उनका सिबिल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, उनकी हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री। दोस्तों बात करते हैं कौन से बैंक्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं। दोस्तों सबसे पहला बैंक है जो है ICICI बैंक, वो आपको जो देगा क्रेडिट कार्ड वो रहेगा कोरल कार्ड। ICICI बैंक वाले आपको कोरल कार्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड देंगे, जिसके बेनिफिट्स देंगे कि आपको 2x रिवॉर्ड्स मिलेंगे ग्रोसरीज के ऊपर, सुपरमार्केट्स के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर, और साथ साथ आपको 50% स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो आपका ज्वाइनिंग बोनस रहेगा। दूसरे बैंक की बात करते हैं वो है SBI। SBI आपको देगा एडवांटेज प्लस क्रेडिट कार्ड। इसका फायदा ये रहेगा, इसके बेनिफिट्स ये रहेंगे कि सबसे पहली बात आपका जो अगर आपको पैसे देने में प्रॉब्लम रहती है, आप नहीं दे पाते हो, तो आपको 2.25% पर महीने का आपको जो ब्याज पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा, बहुत कम है, और साथ ही साथ आपकी फैमिली को एड ऑन कार्ड्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, और आपके जो पेमेंट्स है आप उसको EMI पे भी कन्वर्ट करा सकते हो फ्लेक्सी पे के थ्रू। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्रेडिट कार्ड से आप EMI फैसिलिटी अगर ऑप्शन है उसमें आप तो अवेल कर सकते हो, चीज पहले खरीद लो और बाद में EMI कर करके कंपनी को देते जाओ। तीसरे बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, वो आपको देगा इंस्टा क्रेडिट कार्ड। दोस्तों इसका फायदा ये रहेगा कि सबसे पहली बात आप अपने FD की 100% क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हो, साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट पीरियड जो आपको वापस करने का रहेगा वो रहेगा 50 दिन से कम का, और आखिरी बात मैं बोलूंगा जो इसमें फ्यूल सरचार्ज है वो आपको जो वेवर मिलेगा उसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो है 2.5% का। अब बात करते हैं चौथे बैंक की, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो आपको देगा एक्सपायर क्रेडिट कार्ड, जिसका फायदा रहेगा सबसे पहली बात कि आप अपना 80% FD का उपयोग कर सकते हैं, इसमें 100% में से 80% आपकी जो FD है उसका उपयोग कर सकते हो। आप साथ के साथ आपको जो एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा 1,00,000 तक का अगर आप उसके साथ ऑप्ट करते हो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और साथ ही साथ आपको जो इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहेगा वो रहेगा 55 दिन का। अब बात करते हैं चौथे बैंक की, वो है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, वो आपको देगा एक्वा गोल्ड कार्ड, वो भी FD के अगेंस्ट, और इसमें क्या रहेगा कि आप 25,000 तक के जो कार्ड वो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, और जो 80% तक आप अपनी FD का जो FD है आपकी 80% उसकी क्रेडिट लिमिट उपयोग कर सकते हो, और साथ साथ जो आपको फ्यूल का सरचार्ज रहेगा वो आपको मिलेगा 3,500 तक का साल का। 3,500 साल का
एंड में जो बैंक आता है हमारा सिक्स बैंक वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो आपको देगा एश्योर क्रेडिट कार्ड। दोस्तों इसमें आप जो एश्योर क्रेडिट कार्ड है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें आप इसमें भी आप 80% तक अपनी जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एफडी के अगेंस्ट उसको यूज कर सकते हो, और वो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज भी साथ के साथ इस कार्ड के अलॉन्ग देगा। मैंने आपको सारे कार्ड्स का, सारे बैंक के जो क्रेडिट कार्ड जिनके आप एफडी के अगेंस्ट ले सकते हो उनका बता दिया है, साथ साथ आपको उसके फायदे भी बता दिए, और साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है एफडी के अगेंस्ट, उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। जिनका सिबिल स्कोर खराब है, उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो एफडी के अगेंस्ट एफडी करवाए, अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो करवाए एफडी और फिर उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ताकि आप अपना जो सिबिल स्कोर है, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री है, वो अच्छे से सुधार लीजिए। दोस्तों इससे आपका ही फायदा रहेगा, कल को अगर आपको लोन्स लेने हैं आपको आसानी से लोन्स भी मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों होप करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।